पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के बीच आगामी वनडे एशिया कप 2023 के लिए वेन्यू पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। पाकिस्तान पूरे एशिया कप की मेजबानी करने में दिलचस्पी दिखाने के कारण श्रीलंका क्रिकेट से नाराज है और उसने इस खिसियाहट में श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज खेलने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पीसीबी के सूत्रों के अनुसार श्रीलंका ने एशिया कप के पूरे टूर्नामेंट की मेजबानी करने की इच्छा जताई थी, जिससे इन दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के रिश्तों में खटास पैदा हो गई है। पाकिस्तान के रवैयों को देखकर साफ पता चल रहा है कि एशिया कप 2023 की मेजबानी जाते देख वह बौखला गया है। इसे लेके एक सूत्र से बातचीत की गई और बताया कि इन दोनों देश के क्रिकेट बोर्ड के बीच खटास पैदा होने का एक उदाहरण पीसीबी का श्रीलंका में अगले महीने वनडे सीरीज खेलने से इनकार करना है। पाकिस्तान को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप्स के अगले चक्र के तहत इस साल जुलाई में दो टेस्ट मैच खेलने के लिए श्रीलंका का दौरा भी करना था। श्रीलंका ने इसके साथ ही वनडे सीरीज खेलने का प्रस्ताव भी पीसीबी के सामने रखा था, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों ने पुष्टि की कि पीसीबी ने शुरू में कहा था कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करेगा, लेकिन अब उसने इसे नामंजूर कर दिया है। यह स्पष्ट संकेत है कि पीसीबी सितंबर में एशिया कप की मेजबानी करने की श्रीलंका क्रिकेट की पेशकश से खुश नहीं है। अगर पूरे विवाद की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एशिया कप 2023 की मेजबानी का अधिकार है, पर राजनीतिक गतिरोध के चलते भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और न्यूट्रल वेन्यू पर टूर्नामेंट करवाने की बात की पेशकश की। एसीसी ने भी इस पर मीटिंग की पर बात नहीं बन सकी। पाकिस्तान ने इसके बाद हाइब्रिड मॉडल पेश किया, जिसके तहत भारत के मुकाबले उसने किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने की पेशकश की। इस पर भी एसीसी के अंदर बात नहीं बनी। खबरें यह भी है कि एशिया कप कैंसिल हो सकता है या फिर पाकिस्तान इसका बॉयकॉट कर सकता है। श्रीलंका और बांग्लादेश के बोर्ड ने भी इस पर भारत का साथ दिया है। फिलहाल अभी भी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए।